हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एंड दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। यस, ये लास्ट वीडियो है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें कि हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या बोलता है, देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली कॉज ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन। यस, अगेन, मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली कॉज ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन, पर किसमें बाबा, इन द जीन। ठीक है, जो मतलब ये जो डिसऑर्डर्स है इसमें क्या हो रहा है, जो जीन है, जो नॉर्मल जीन है, उसमें अल्टरेशन या म्यूटेशन से क्या हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, जिससे कि डिसऑर्डर या डिसीज हो रहा है, मतलब जीन खराब हो रहा है इसमें। बराबर, सिर्फ एक जीन की बात हो रही है, बराबर, बल्कि क्रोमोसोम की बात करते हो, क्रोमोसोम में मल्टीपल जीन्स होते हैं, बराबर। तो मेंडेल डिसऑर्डर क्या हो रहा है, जिसमें मेनली कॉज ड्यू टू अल्टरेशन या म्यूटेशन, अल्टरेशन या म्यूटेशन इन द जीन, दैट इज कॉल्ड। तो अल्टरेशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बराबर, म्यूटेशन में भी पॉइंट म्यूटेशन, दैट इज फ्रेम शिफ्ट वाला भी हो सकता, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वगैरह वगैरह हो सकता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, बराबर। तो इन शॉर्ट ये समझो कि अगर जीन में गड़बड़ हुई तो उससे जो डिसऑर्डर आएगा वो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएगा, जिसमें कि एग्जांपल है थैलेसीमिया, जो कि हमको अभी एक्सप्लेन कर है, अभी एक्सप्लेन करना है इसी लेक्चर में। सिकल सेल एनीमिया ऑलरेडी हमको पता है क्या है, तो कलर ब्लाइंडनेस भी पता है, यस, हीमोफीलिया भी पता है, और फिनिल कीटो यूरिया भी पता है हमको, यस। तो बस अब यहाँ से कौन बच रहा है हमारा, थैलेसीमिया। मतलब देखो, सिकल सेल एनीमिया भी जीन में गड़बड़ थी, कलर ब्लाइंडनेस भी जीन में गड़बड़ थी, ये सब काय में आ रहे, मेंडेलियन डिसऑर्डर में। ठीक है, तो हम थैलेसीमिया को एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम एक जनरल तो ले लेते। अगला क्या बोल रहा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आप देखो बता रहा है क्या बोल रहा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर खा गया लगता है मैंने, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस, इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस, मतलब एक तो गायब है, और एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम या और देयर एबनॉर्मल अरेंजमेंट। वो एबनॉर्मल अरेंजमेंट को तो छोड़ो, क्या बोल रहा है, एक्सेस ऑफ वन और मोर एब्सेंस, ये कम होना और ज्यादा होने वाली कंडीशन को हमने शायद एनइप्लॉयडी बोला था क्या, हाँ एनइप्लॉयडी बोला था, यस, और एनइप्लॉयडी में फिर हाइपोप्लॉयडी, यस, जिसमें मोनोसोमी वगैरह वगैरह, मतलब बढ़ना या कम होना, बराबर, हाइपोप्लॉयडी हाइपरप्लॉयडी, वो तो क्रोमोसोम बढ़ने से, पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम बढ़ने से, या पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक या दो कम होने से जो डिसऑर्डर डेवलप होंगे, दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और जो कि ऑटोसोम के भी हो सकते हैं, जिसमें हमको एक एग्जांपल दिया, दैट इज डाउन सिंड्रोम, और जो कि सेक्स क्रोमोसोम के भी हो सकते हैं, जिसमें हमको दो एग्जांपल दिए, दैट इज टर्नर सिंड्रोम और क्लिनिफ्लेटर सिंड्रोम्स, बराबर, और कौन सा, क्लिनिफ्लेटर सिंड्रोम्स, बराबर। तो ये दो एग्जांपल हमको सेक्स क्रोमोसोम की गड़बड़ी के हैं, बराबर, और ये ऑटोसोमी का। तो ये ट्राइसोमी वाला एग्जांपल है, ये भी ट्राइसोमी वाला एग्जांपल है, क्योंकि ज्यादा हो रहा है एक, और ये मोनोसोमी वाला एग्जांपल है, इसमें एक कम हो रहा है। अब ये ज्यादा या कम कैसे हो सकता है, इस पर एक नजर मारते हैं क्या, चलो एक नजर मार ही लेते हैं, ध्यान दो, एक समझ निकले, जस्ट समझ निकले। सपोज टू बी ये कंडीशन है, एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है,
और जिसकी कंडीशन है एक्स एक्स वाली, समझने के लिए, हाँ, अगेन समझने के लिए। अब आपको बताया कि ये सेल जब मियोसिस को जाएंगी तो पहले काय को जाएंगी, वो इंटरफेस को, जिस पे इस पे भी इसके जैसा बनेगा, समझने के लिए, इसके जैसा बनेगा और इसके जैसा बनेगा। तो फिर पहले मियोसिस वन होगा तो क्या होगा, मियोसिस वन में ये कंडीशन होगी, बराबर, मियोसिस वन में ये कंडीशन होगी, यस, लाल लाल की प्रिंट, और मियोसिस टू में फिर एट द एंड चार अपलॉइड सेल मिलती है, यस, ये है नॉर्मल मियोसिस, है ना, बराबर, क्या इसको डिप्लॉइड ले रहा हूं मैं, ऐसा नॉर्मल मियोसिस। पर यहां पे यहां गड़बड़ होती है, यहां पे क्या होता है, एकादे गैमेट में क्या होता है कि एक तो ज्यादा होने की बात करो या कम होने की बात करो, तो हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसी की ऐसी रह जाए। देखो इस गैमेट में वो पूरा का पूरा पेयर ही लेके आ गया जिसको अलग होना चाहिए था, और इसमें है ही नहीं, बाकी के 22 है, पर यहां गड़बड़ है, यहां पे अब्सेंट है वो। तो अब ये वाला जब किसी नॉर्मल के साथ फ्यूज होगा तो उसके पास 22 है प्लस एक्स या वाई रहेगा, एक्स या वाई रहेगा, और इसके पास सिर्फ 22 है, यहाँ पे ना एक्स है ना वाई है, और ये वाला अगर रहेगा तो 22 प्लस एक्स एक्स, और फिर उधर से एक आएगा नॉर्मल वाला 22 प्लस एक्स या वाई लेके आएगा। तो देखो ये एक्स एक्स ज़्यादा जनरेट हो रहा है, या फिर अगर वाई लेके आया तो ऐसा ज़्यादा हो जाएगा, बाकी तो सब बराबर, ये ऐसी गड़बड़ हो सकती है। तो ये मोनोसोमी का एग्जांपल हो सकता है या ट्राइसोमी का एग्जांपल हो सकता है। तो ये ऐसी गड़बड़ हो सकती है नॉन डिसजंक्शन के कारण, ये ऐसे डेवलप हो सकती है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स, ठीक है, यस, मतलब यहाँ पे गमेट जो है वो एबनॉर्मल बन गए, ठीक है, ज़्यादा हो गए या कम हो गए। तो बात समझ में आई बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में थोड़ी जनरल बात है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज थैलेसीमिया, और ये थैलेसीमिया जो है जो कि एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, यस, मतलब जीन की गड़बड़ का डिसऑर्डर है ये, जिसके जीन 16 नंबर के क्रोमोसोम में और 11 नंबर के क्रोमोसोम में, दो दो क्रोमोसोम के जीन। तो एक्चुअली में थैलेसीमिया जो गड़बड़ है ना बच्चों, अब दो दो क्रोमोसोम में 11 क्रोमोसोम और 16 क्रोमोसोम को इन्वॉल्व कर रहा हूं, मतलब दो क्रोमोसोम के पर जीन तीन, मतलब यहां पे तीन जीन रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, कितने जीन, तीन जीन रिस्पॉन्सिबल हो रहे इस थैलेसीमिया वाली कंडीशन के लिए, बराबर। तो उसमें से दो जो तीन को मैं डिवाइड करूंगा दो में और एक में, तो जो दो जीन है वो है 16 नंबर के क्रोमोसोम में, और जो एक जीन है वो है 11 नंबर के क्रोमोसोम में, ठीक है, बराबर, ऐसी कैसे बात हो सकती है। हाँ, तो इसके लिए देखो रिस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन, क्योंकि थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है, यस, थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, यस, तो हीमोग्लोबिन को मैं शॉर्ट फॉर्म में एच बी ले सकता हूँ, यस, और हीमोग्लोबिन जो है बच्चों वो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जिसमें एक पार्ट जो है वो प्रोथेस्टिक ग्रुप है और दूसरा जो पार्ट है प्रोटीन पार्ट है। तो प्रोटीन पार्ट जो है उसका वो बना है ग्लोबुलिन नाम के प्रोटीन से, यस, और एक ग्लोबुलिन में फोर चैन है अमीनो एसिड की, बराबर, फोर, जिसमें टू अल्फा चैन टू बीटा चैन, दो चैन अल्फा ग्लोबुलिन की और दो चैन बीटा ग्लोबुलिन की। तो होता क्या है कि थैलेसीमिया में ये ग्लोबुलिन पार्ट में गड़बड़ हो जाती है, ये थैलेसीमिया क्या होता है कि जो ग्लोबुलिन वाला जो प्रोटीन जो पार्ट है उसमें गड़बड़ हो जाती है, जिससे कि ये हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाता, और इस हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनने वाली कंडीशन को हम लोग थैलेसीमिया बोलते हैं, बराबर, यस। तो अब इस ग्लोबुलिन में क्या बोला मैंने, दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन, यस, दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन। तो
अल्फा चेन अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा चेन दैट इज अ बीटा ग्लोबुलिन। तो जो अल्फा चेन है, ध्यान दो, अल्फा चेन के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल है, एच बी ए वन और सॉरी एच बी ए वन एच बी ए टू, जो कि कौन से क्रोमोसोम को फॉलो करते हैं, 16 क्रोमोसोम को फॉलो करते हैं और ये क्लोजली लिंक्ड, एक ही क्रोमोसोम को फॉलो करते हैं मतलब लिंक्ड है, और ये पास पास में भी, ये पास पास में भी क्लोजली लिंक्ड है, ठीक है, यस। तो ये कौन सी चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्फा, यस। और एक जीन डेट इज एच बी बी जो कि प्रेजेंट है 11 नंबर के क्रोमोसोम पे और जो कि रिस्पॉन्सिबल है दैट इज बीटा चेन के लिए, बराबर। तो इन तीन में से किसी में भी गड़बड़ हो जाए तो हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाता, जैसे कि अल्फा चेन ठीक से नहीं बन पा रही है, चाहे इसके कारण हो या इसके कारण हो, तो डैट इज अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन में गड़बड़ है तो बीटा थैलेसीमिया। अब ये गड़बड़, इन जीनों में गड़बड़ कौन से कारण से आ सकती है, तो हो सकता है म्यूटेशन हो जाए, हो सकता है वो जीन डिलीट हो जाए, जैसे एक क्रोमोसोमल एब्रेजन, एक एब्रेजन नाम की कोई चीज़ हम पढ़ने वाले आगे चल के, बराबर। तो इस एब्रेजन में कभी कभी कहते हैं कि जीन जो है वो डिलीट हो जाते हैं, इन्वर्स हो जाता है, जंप हो जाता है कहीं पे, या फिर म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो भी हो, जिस कुछ भी कारण से अगर ये तीनों में से किसी एक में गड़बड़ाई तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है उसमें गड़बड़ जाएंगी, जिससे कि एक तो अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया होगा, बराबर, अंडरस्टैंड, मतलब इन शॉर्ट थैलेसीमिया होगा, जिसमें कि बंदा या बंदी को, क्योंकि ये ऑटोसोम का है ना, ऑटोसोम क्रोमोसोम में है ना, ये 11वें नंबर का क्रोमोसोम 16वें नंबर का क्रोमोसोम मेरे ख्याल से ऑटोसोम ही है, ठीक है। तो बंदा या बंदी को, मतलब मेल या फीमेल दोनों को हो सकता है डिसीज, बराबर, जिसमें कि बंदे को सिम्टम्स क्या आएंगे, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, यस, मैंने आपको बताया था किसी भी कारण से अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसको हम एनीमिया बोलते हैं, तो बंदे को एनीमिया होगा, सिम्टम्स में पेल येलोइश स्किन होंगी उसकी, बराबर, उसके आरबीसी का साइज और शेप चेंज हो जाएगा, उस बंदे या बंदे की ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, या उस और उसकी यूरिन डार्क रहेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर, ये उसमें सिम्टम्स रहेंगे। और बंदे को मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की आवश्यकता होगी उसको, मतलब कंटिन्यूस उसको ब्लड चढ़ाते रहना पड़ेगा या देते रहना पड़ेगा, मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, यस। अब तुम बोलोगे सर हमने एक और एनीमिया तो पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया, नहीं हम इसको सिकल सेल एनीमिया के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, देखो सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो रही थी, क्योंकि आरबीसी का साइज छोटा हो रहा था, इसलिए वॉल्यूम कम होने से आपका ग्लोबुलिन कम हो रहा था या हीमोग्लोबिन कम हो रहा था वहां पे। यहां तो कैसा है, थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन ही गड़बड़ से बन रहा है, यहां जो कमी हो रही है वो गलत बनने के कारण कमी हो रही है, यहां तो ये आरबीसी का वॉल्यूम कम होने के कारण से हीमोग्लोबिन की कमी हो रही थी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सिकल सेल एनीमिया में और थैलेसीमिया में। तो आई होप आपको थैलेसीमिया समझ गया होगा, ठीक है। अब अगले देखते हैं, डेट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें कि पहले पढ़ेंगे हम लोग डाउन सिंड्रोम, यस, डाउन सिंड्रोम जो कि एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जो कि एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसमें भी ऑटोसोम क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, यस। इसको और क्या बोला जाता है, 21st ट्राइसोमी। पर ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, कि जब एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, इस बराबर, इसको हमने कहां पढ़ा था, इप्लॉयडी में एनइप्लॉयडी, एनइप्लॉयडी में हाइपरप्लॉयडी, हाइपरप्लॉयडी में ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम ज्यादा। तो एक क्रोमोसोम ज्यादा मतलब कौन सा क्रोमोसोम ज्यादा है, यहां पे 21वें नंबर का क्रोमोसोम ज्यादा है, मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉयड कंडीशन है, यस, तो डिप्लॉयड कंडीशन मतलब कितने क्रोमोसोम, 23 पेयर, पर वो कैसे कि
कि एक से लेके 23, 1, 2, 3, 4, 20, 21, 23 सब एक एक ही है, एक नंबर का एक, एक दो नंबर का एक, मतलब एक एक नंबर में सब सब एक एक ही है, नॉर्मल नॉर्मल बराबर, सबके दो दो ही नंबर है बराबर। पर 21st ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि ये कंडीशन है, 21वें नंबर के क्रोमोसोम तीन है, मतलब लिखने में कैसा बोल सकते हैं हम लोग इसको, डिप्लॉइड प्लस वन, यस, क्योंकि डिप्लॉइड अपना डिप्लॉइड मतलब कितना है 23 पेयर या 46 प्लस एक ज्यादा है, 21वें नंबर पे एक ज्यादा है, दैट्स व्हाई 21st ट्राइसोमी, दैट्स व्हाई 21st ट्राइसोमी। इसका मतलब अगेन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले जो बताया था नॉन डिसजंक्शनिंग कुछ हुआ है भाई, इसमें कि एक गमेट तो नॉर्मल है ध्यान दो, अब ये मेल फीमेल गमेट फ्यूजन से ऐसी कुछ होगा तो एक गमेट जो कि नॉर्मल है जिसमें कि 1, 2, 3, 20 मैं बाकी के सब छोड़ रहा हूँ, 21, 22, 23 सब एक एक ही है, और दूसरा जो गमेट है उसमें 1, 2, 3, 20, 21 के साथ और एक 21 है, 22 और 23 तो जब ये पेयरिंग होंगी तो ये तीन हो जाएंगे। अब ये मेल गमेट हो सकता है या तो फिर ये फीमेल गमेट हो सकता है, ये वाली कंडीशन वाला, ये एबनॉर्मल गमेट है, ये नॉर्मल गमेट है वाला, पर जब ये फ्यूज होंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे बराबर, तो ये मेल गमेट हो सकता है या तो फीमेल गमेट हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में फीमेल गमेट होता है। उसमें भी जो मतलब 45 साल के बाद वाली जो लेडीज होती है या 40 से 45 की जो मतलब जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ जो जा रहे हैं, मेनोपॉज की तरफ जो जा रही लेडी, उनके केसेस में इस टाइप के गमेट बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं बराबर। पर अगेन मेल गमेट भी हो सकता है ऐसा, फीमेल गमेट भी हो सकता है, पर बुक में बोला है कि 45 ईयर की ओल्ड की जो लेडीज रहती है या उस रेंज की जो लेडीज होती है उसमें इस टाइप के गमेट बनने के चांसेस ज़्यादा है, और मेल गमेट नॉर्मल आएगा जिससे कि फिर क्या होंगे 21 गमेट 21 नंबर का क्रोमोसोम तीन हो जाएंगे, दैट इज अ 21st ट्राइसोमी, अंडरस्टैंड, एंड दैट इज अ डाउन सिंड्रोम बराबर। इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं बराबर, इसको एक फिजिशियन जॉन लैंगडॉन डाउन ने इनको डिस्कवर किया था 1866 में, दैट्स व्हाई डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें उस बंदे को मतलब जो पेशेंट है वो मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, यस पेशेंट मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे उसको, तो देखो पेशेंट हैव माइल्ड टू मॉडरेट, पेशेंट हैव माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, मतलब बुद्धिमत्ता का विकास नहीं, मंद बुद्धि, अब वो माइल्ड से मॉडरेट लेवल तक की बात हो सकती है। अगेन स्केलेटल डेवलपमेंट मतलब उसकी हाइट भी ठीक ठाक नहीं बढ़ेगी, यस वो भी कैसी रहेंगी अंडर डेवलप ही रहेंगी बराबर। फिर फेशियल फीचर, डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स उस चेहरे से समझ में आएंगे जो आपके डायग्राम है उसमें, है ना, डायग्राम जो बुक में दिए उसमें, जैसे कि स्मॉल हेड, स्मॉल ईयर्स एंड माउथ, डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर, उसमें उनका जो फेस रहेगा वो कैसा रहेगा, टिपिकली फ्लैट राउंडेड विथ फ्लैट नोज, विथ फ्लैट नोज, ठीक है। फिर आगे ओपन माउथ, माउथ खुला रहेगा, डेट इज प्रोट्यूडिंग टंग, जो टंग रहेंगी वो उभरी हुई टंग रहेंगी। आंखों की तो और भी मजेदार बात है, आइज स्लैंट अप, ये जो रहेंगी वो थोड़ी सी अप रहेगी, ऐसी रहेगी अप और बाहर की तरफ निकली रहेंगी, और उसमें भी इपिकेंथल फोल्ड्स, ये यहाँ पे जो फोल्ड्स रहती है वो इपिकेंथल ऐसी फोल्ड्स रहेंगी, ठीक है, ऐसी फोल्ड्स दिखेंगी, यस आई जो रहेंगी ऐसी अपवर्ड रहेंगी बाहर की तरफ रहेंगी और यहाँ पे इपिकेंथल फोल्ड्स रहेंगी, ठीक है। फिर हाथों की अगर बात करते हैं तो हाथ जो रहेंगे फ्लैट रहेंगे एंड स्टबी फिंगर्स, छोटे और जाड़े जाड़े फिंगर्स रहेंगे, स्टबी फिंगर्स,
जो पाम रहेगा वो ब्रॉड रहेगा, पाम जो रहेगा ब्रॉड रहेगा, और उसमें एक ही लाइन रहेंगी, जैसे अपने पास ये तीन चार लाइन, जैसे तीन लाइन है, यस, तो वो एक ही क्या रहेंगी, प्लामर क्रीज रहेंगे। तो ये रहेंगे उनके सिम्टम्स, बराबर। तो दैट इज अबाउट डाउन सिंड्रोम। अब देखते हैं टर्नर सिंड्रोम, यस, जो कि एक सेक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, यस, जिसको और क्या बोलते हैं, एक्स मोनोसोमी या एक्स जीरो या एक्स ओ फीमेल्स, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है जानते हो, ऑटोसोम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ऑटोसोम 22x22, यस। अब आपको पता है एक्स या एक्स होना चाहिए या फिर एक्स नॉर्मल कंडीशन में एक्स के साथ वाई होना चाहिए, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, बराबर। पर टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्स के साथ ना तो वाई है ना तो एक्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो वाली कंडीशन है, मतलब एक गमेट नॉर्मल, एक गमेट में ऑटोसोम बराबर सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो इससे फिर इस टाइप की कंडीशन डेवलप होंगी। यस, ये ऑटोसोम बराबर है पेयर में 22x22 पेयर, ये एक्स के साथ ना तो वाई है ना एक्स है, ठीक है, बराबर। तो अब सिम्टम क्या, अगेन ये नॉन डिसजंक्शनिंग के कारण हो गया, क्योंकि एक में ज़्यादा चलेगा तो एक में कम हो गया ना, बराबर, तो ऐसी गड़बड़ हो सकती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होंगे उस पेशेंट को, तो पहले बता दूं कि जो पेशेंट रहेंगी फिनोटिपिकली फीमेल रहेंगी, जो पेशेंट रहेंगी वो फिनोटिपिकली क्या रहेंगी, फीमेल, मेल में ये बात नहीं होगी, बल्कि डाउन सिंड्रोम में मेन फीमेल दोनों में बात हो सकती थी, पर ये बात सिर्फ किस में होंगी, फीमेल में। तो सिम्टम्स क्या होंगे उस फीमेल में, दे हैव शॉर्ट स्ट्रेचर हाइट, यस, उसकी हाइट कम रहेंगी, एंड विब्ड नेक, यस, जो नेक रहेंगी वो इस तरीके से रहेंगी, ठीक है, विब्ड नेक, ठीक है, और लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन, मतलब इधर उधर जो बाल रहेंगे वो थोड़े कम रहेंगे, नॉर्मल से कम रहेंगे, लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन। फिर जो चेस्ट रहेगी वो ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट रहेंगी, जिसमें कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं है, ओवरीज का डेवलपमेंट नहीं है, बराबर, मतलब वो इन शॉर्ट सेक्सुअली स्टराइल है, और इंटेलिजेंस के मामले में भी वो थोड़ी मंदबुद्धि ही रहेंगी, लो इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये रहेंगे सिम्टम्स दैट इज टर्नर सिंड्रोम के, ठीक है, तो दैट इज अबाउट टर्नर सिंड्रोम। हाँ, तो बच्चों अब स्टार्ट करते हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज क्लिनीफेल्टर्स सिंड्रोम, दैट इज क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, ये लास्ट वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यस, दैट इज क्लिनीफेल्टर्स सिंड्रोम, फाइनली चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है, क्लिनीफेल्टर्स सिंड्रोम, जिसमें कि जो पर्सन है उसके, अगेन ये एक सेक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, जिसमें ऑटोसोम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ऑटोसोम नॉर्मल है, यस, बराबर, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरीके से, मतलब अगेन एक मेल गमेट 22+Y लेके आया है, पर जो दूसरा फीमेल गमेट जो है, मतलब जो फीमेल गमेट है वो एक्स एक्स वाली कंडीशन में, मतलब जो एक्स जिसको अलग होना चाहिए था वो अलग नहीं हो पाया, नॉन डिसजंक्शनिंग हो गई, और फिर ऐसा फीमेल गमेट ऐसे मेल गमेट का फ्यूज होने से ये कंडीशन एक्स एक्स वाई वाली कंडीशन डेवलप हो गई, यस, एंड दैट इज अ क्लिनीफेल्टर्स सिंड्रोम, बराबर, यस, जिसमें कि वो रहेगा तो मेल, बट कैसा रहेगा, फेमिनाइज मेल, दिखने में मेल पर बातें उसकी थोड़ी फीमेल जैसी रहेंगी, जैसे कि इंडिविजुअल इज मेल, ओवरऑल मस्कुलर डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि देखो मेल और फीमेल में अगर बात करते हैं जनरल, तो मेल आर मस्कुलरली स्ट्रॉन्गर देन फीमेल, मतलब मेल की मसल ज़्यादा डेवलप होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, बराबर, तो मेल आर मस्कुलरली स्ट्रॉन्गर देन फीमेल, तो वो बात यहाँ पर हुई है, इंडिविजुअल इज मेल, दिखने में मेल और वो मेल ही है, बट
एंड ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट भी ठीक ठाक ही रहेगा, मस्कुलाइन डेवलपमेंट भी अच्छा रहेगा, मेल जैसी ही बात रहेगी। वॉइस जो उसका रहेगा कैसा रहेगा, फीमेल जैसा नहीं रहेगा, हार्श वॉइस रहेगा, यस हाँ, बट उसकी जो टेस्टीज रहेगी वो अंडर डेवलप रहेंगी, और टेस्टी जो रहेगी वो अंडर डेवलप रहेंगी, और उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कि वो सेक्सुअली स्टराइल होगा, यस। और क्या, दे आर टॉल विथ लॉन्ग आर्म्स, वो हाइट में थोड़ा ज़्यादा होगा, यस। और क्या बोल रहा है, दैट इज अ गायनेकोमेस्टिया, यस। अरे गायनेकोमेस्टिया मतलब फीमेल जैसे कैरेक्टर में, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का होना, यस, ये बात भी उनके साथ हो सकती है या होती है। और अगेन वो मेंटली नॉर्मल रहते हैं, यस, मेंटली रिटार्डेड नहीं रहते, उनका इंटेलिजेंट नॉर्मल ही होता है, अंडरस्टैंड। तो दैट्स अबाउट क्लिनिफ्लेटर सिंड्रोम। और यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कंप्लीट होता है, ठीक है, बाय बाय।